आज की जो ये रेसिपी है वो विंटर रेसिपी में से एक है। अगर आप सर्दियों के इस मौसम में अपने वीकेंड को जायकेदार बनाना चाहते हैं तो ट्राई करें पालक चिकन की ये टेस्टी रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए मैं ली हूँ 500 ग्राम चिकन। चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करना है, तो मैरिनेशन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, साथ ही एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और एक नींबू का रस भी ऐड करना है। इसके जगह आप चाहें तो कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पालक ली हूँ, 2 कप के करीब है ये, साफ करने के बाद 2 कप हुआ है। तो इसे अच्छे से साफ करने के बाद इसे अब बॉईल करना है। पालक को बॉईल करने के लिए पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दी थी, इसमें उबाल आ चुका है। तो अब इसमें डालूंगी नमक, नमक के साथ ही इसमें जाएगा 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बस इसी टाइम पे डाल देना है पालक। उबलते हुए पानी में जब बेकिंग सोडा डालते हैं और उसके बाद ही पालक ऐड करते हैं तो पालक का कलर ऐसे ग्रीन ही रहता है, कलर खराब नहीं होता। इस वजह से पालक को जब भी उबाले तो उबलते हुए पानी में ही डालें। साथ ही पालक के साथ ही यहाँ मैं हरे धनिया के पत्ते को भी ऐड की हूँ 1/2 कप। इसे बहुत देर के लिए बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा बॉईल होने में। ये बॉईल हो चुका है तो इसे अब निकाल लेना है और निकाल कर रखना है इसे बर्फ़ वाले पानी में। बर्फ़ वाले पानी में रखने का रीज़न ये है कि कलर इसका मेंटेन रहता है। सारे पालक को रखने के बाद अब इसे निचोड़ कर निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जितना भी हो सारा निकल जाए। चिकन तो आप सभी ने कई बार बनाए भी होंगे और कई बार खाए भी होंगे डिफरेंट तरीक़ों के, लेकिन कभी इस तरह से पालक वाले चिकन खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो पालक को जार में डालने के बाद अब इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट रेडी कर लेना है। लीजिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनकर रेडी हुआ है, स्मूथ पेस्ट बना है। अब इसकी देख रहे कलर बिल्कुल मेंटेन है। तो इस तरह से बनाएंगे तो पालक का कलर इसी तरह होगा। चिकन बनाने के लिए कढ़ाई में डालना है तेल, तो यहाँ मैं 2 बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैं ले रही हूँ 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। मसाले के लाल होते ही इसमें डाल दूंगी प्याज, तो यहाँ 1 बड़े साइज की प्याज को बारीक चॉप कर ली हूँ, उसे ऐड कर देना है। प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो बस इसी टाइम पे डाल देना है चिकन। हाई फ्लेम में रखकर चिकन को कुछ देर के लिए भूनना है। तो यहाँ मैं 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को लगातार चलाते हुए भून ली हूँ। भुनाई कंप्लीट होने के बाद ही इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ 1 चम्मच लहसुन और 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड की हूँ। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए तब तक। इसी टाइम पे डाल देना है कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही सूखे मसाले भी डालना है इसी टाइम पे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही जीरा पाउडर भी डालना है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सूखे मसालों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो पे रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं और भून भी जाए। यदि ज़्यादा चिपक रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल ले। लीजिए, मसाले अच्छी तरह से भून चुकी हूँ, तो इस टाइम पे डाल दे रही हूँ टमाटर कटी हुई। यहाँ मैं 2 टमाटर का इस्तेमाल की हूँ मीडियम साइज का। फटाफट से इसी टाइम पे डाल दे रही हूँ नमक ताकि टमाटर जो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर नमक को मिक्स करने के बाद इसे कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इस टाइम पे लो फ्लेम पे पकाएंगे। लीजिए, कवर हटाकर चेक कर लेती हूँ, तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है।
मिक्स होते ही इसी टाइम पे डाल दे रही हूँ पालक, जिसे पीस कर रखी थी। इस चिकन को बनाने के लिए मार्केट वाली कोई भी मसाले की जरूरत नहीं है, बस आपके रेगुलर वाले किचन में जो आपके मसाले पड़े रहते हैं उसी से बना सकते हैं ये टेस्टी पालक चिकन। चिकन में अब अच्छी तरह से पालक को मिक्स कर देना है। मिक्स होते ही इसमें अब पानी ऐड कर दे रही हूँ, तो उसी जार में पानी डाल रही हूँ जिसमें पालक को पीसी थी। पानी डालते हुए मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम में रख कर पालक चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है उबाल आने तक। लीजिए 5 से 7 मिनट तक उबालने के बाद पालक चिकन बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, साथ ही 1/2 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर देना है इसी टाइम पे, और बस लास्ट में एक लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी 1 चम्मच घी, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इस पालक चिकन का। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करने के बाद ये चिकन खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस चिकन को आप खा सकते हैं रोटी नान के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस ठंड के मौसम में बना सकते हैं ये पालक चिकन की रेसिपी को। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।